Merry Christmas and God bless you. क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो और खुदावंद आपको बरकत दे. And happy birthday Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह को सालगिरह मुबारक हो. It's a privilege to be here in Faisalabad with you tonight. आज की शाम ये बड़े आजाज की बात है कि आपके साथ फैसलाबाद में हैं. आप तशरीफ रखें. I appreciate the invitation from Pastor Emeric Joseph to come back and minister in his pulpit. और बड़ा शुक्रगुजार हूं पादरी एमरिक जोसेफ साहब का जिन्होंने दोबारा आने पर कबूल किया. I was here last year and I had many happy memories from last year. और मैं पिछले साल भी यहां आया था और बड़ी खुशगवार यादें समेट कर ले गया. It's a privilege to preach the word of God to people that love the word of God. और ये बड़ी खुशी की बात है, एजाज की बात है कि उन लोगों को खुदा का कलाम सुनाया जाए जो खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं. The Bible says in John chapter 1 and verse 1. और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप की पहली आयत में लिखा है, In the beginning was the word and the word with God and the word was God. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. That was a spoken will of Almighty God. और ये खुदा की वो मर्जी है जो उसने बोल कर जाहिर की है. And then it says, and the word was made flesh and dwelt among us. और फिर लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया. That is Jesus Christ. वो खुदावंद यीशु मसीह है. We are a blessed people tonight to know our God. हम बाबरकत लोग हैं जो अपने खुदा को जानते हैं. The Bible gives us prophecy about the last days. और बाइबल मुकद्दस हमें आखिर जमाने के बारे में बहुत सी नबूवतें देती है. According to Bible prophecy, these are the last days. और बाइबल मुकद्दस की नबूवतों के मुताबिक यही वो आखिर जमाना है. When you see the armies compassed about Jerusalem. और आप देखते हैं कि फौजें जो है वो यरूशलेम का मुहासरा करती हैं. Wars and rumors of wars. और जंगे हैं और जंगों की जो खबरें हैं. Earthquakes and pestilences. भूचाल आते हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं. Nation against nation and kingdom against kingdom. कौमें कौमों के खिलाफ और सल्तनतें सल्तनतों के खिलाफ उठी हैं. We're living in dangerous times in 2019. हम मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं 2019 में. And the Bible said men's hearts would fail for fear. और कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि लोगों के दिल पिघल जाएंगे. And today the world is very fearful. और आज की जो दुनिया है वो बड़ी खतरनाक है. But not the church. We do not have fear. लेकिन कलीसिया जो है उसमें डर खौफ नहीं है. Because we know in the end of time Jesus Christ will come back. क्योंकि हमें पता है कि जब आखिर जमाना होगा तो यीशु वापस आएगा. Jesus Christ will return. यीशु मसीह वापस आएंगे. But he could not come back till he came the first time. और वो दोबारा वापस नहीं आ सकता था अगर वो पहली दफा नहीं आता. And that's what Christmas is all about. और यही है क्रिसमस जिसके बारे में है. God coming in the flesh of mankind. खुदा इंसान के खून और गोश्त में आया है. In the prophecy of Isaiah, he said, यसाया की किताब में जो नबूवत है उसमें कहा गया है, A virgin will conceive and bear a child, and you shall call him Emmanuel. देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे. Emmanuel means God with us. इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ. The virgin was the mother Mary. और वो कवारी जो है वो मुकद्दसा मरियम है. And the Emmanuel was Jesus Christ. और इमैनुएल खुदावंद यीशु मसीह है. So we know who Jesus is. So हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है. He is the Word made flesh. वो खुदा का कलाम है जो इंसान बन गया. Again Isaiah prophesied saying. और फिर मुकद्दस यसाया एक और नबूवत करते हैं. And us a child is born, a son is given. कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया. He was speaking about Jesus. और तब भी वो खुदावंद यीशु मसीह के बाबत बात करते हैं. Isaiah said his name shall be called wonderful. और यसाया ये बयान करते हैं कि उसका नाम अजीब होगा. Counselor. उसका नाम मशीर होगा. Mighty God. वो खुदाए कादर होगा. Everlasting Father and the Prince of Peace. अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा. That is Jesus Christ. और यही है जो यीशु मसीह है. There are many religions today in the world. आज दुनिया में बहुत से मजाहब हैं. And all religions have their holidays. और उन तमाम मजाहब में छुट्टियों का तसव्वुर है. But Christmas is a holiday special. लेकिन क्रिसमस जो है ये खास किस्म की छुट्टियां हैं. That holiday acknowledges that God came in the flesh of mankind. और इन छुट्टियों में हम इस बात को मनाते हैं कि खुदा इंसानी खून और गोश्त में उतर आया.
And let me tell you something. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. I have been around the world 2 times. कि मैंने पूरी दुनिया का 2 दफा चक्कर लगाया है. I've been to Asia 41 times. और मैंने एशिया का चक्कर 41 दफा लगाया है. I've been to Africa 31 times. और मैंने अफ्रीका 31 दफा दौरा किया है. I have been to Europe 29 times. और यूरोप 29 दफा गया हूँ. I've even preached in Russia. और मैंने रूस में भी खुदा उनका कलाम सुनाया है. In India. इंडिया में भी जाकर. In 50 nations. और 50 कौमों में जाकर अंजील की मुनादी की है. And I have found something very strange. और मैंने एक बड़ी अजीब बात पाई है. No matter what the religion is. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मजहब क्या हो. They celebrate Christmas. और सब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को मनाते हैं. Thank the Lord. इसके लिए खुदा का शुक्र हो. The Buddhist and the Hindu. वो जो बुद्धिस्ट है और जो हिंदू है. The Confucius. जो कन्फ्यूशियस है. Even the Jews. और यहूदी भी. They celebrate Christmas. वो क्रिसमस की खुशी को मनाते हैं. Because of something special about Christmas. क्योंकि क्रिसमस के बारे में कुछ तो खास है. Because that is the time that God came to the world. क्योंकि वो खास वक्त है जिसमें खुदा खुद इस दुनिया में आ गया. He came for a reason to come to the world. और वो एक खास वजह से इस दुनिया में आया. Let me tell you why he came. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्यों इस दुनिया में आया. Because the creation of God was Adam and Eve. क्योंकि खुदा की मखलूकात में आदम और हवा थे. And they fell into sin. और वो गुनाह में गिर गए. And nothing could forgive them. और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें माफी दिला सकती. They shed the blood of rams and doves and bullocks and bulls. उन्होंने बर्रों का और उन्होंने फाख्ताओं का खून बहाया. But God said, I'm not satisfied with the blood of bulls and doves. लेकिन खुदावंद ये फरमाता है कि मैं बैलों बछड़ों और फाख्ता के खून से इत्मीनान नहीं पाता. God said, I'll make myself a sacrifice. और खुदा ये कहता है कि मैं अपने आप को ही कुर्बानी बनाऊंगा. So Jesus Christ came to give his blood that men might be saved. So खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आ गया ताकि अपना खून हमें दे ताकि हम बच जाएं. He came to seek and to save that which was lost. वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि खोए हुए को ढूंढे और नजात दे. He came to save sinners from their sin. वो इस दुनिया में आया ताकि गुनाहगारों को उनके गुनाहों से नजात दे. Because sin will take them to hell. क्योंकि गुनाह इंसान को दोजख की तरफ ले जाता है. But God so loved the world. लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी. When nothing else could save them. कि जब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था. He came himself to save souls. वो खुद दुनिया में आ गया ताकि रूहों को बचाए. That's what the Bible says. और यही है जो बाइबल मुकद्दस बताती है. That God became flesh to save us. के खुदा इंसानी गोश्त में जाहिर हुआ. Hereby perceive we the love of God, for He laid down His life for us. और हमें उसकी मोहब्बत मिली क्योंकि उसने हमारी खातर अपनी जान को कुर्बान कर दिया. That is 1 John 3:16. और यही वो आयत है यानी मुकद्दस यूहन्ना के इंजील 3:16 आयत. It says, Hereby perceive we the love of God, for He laid down His life for us. क्योंकि उसमें हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अपनी जान हमारी खातर कुर्बान कर दी. Acts chapter 20 verse 28 says. और अमाल की किताब में हम इस बात को देखते हैं. The church is purchased by the blood of God. के कलीसिया यीशु के खून से खरीदी गई है. Oh hallelujah. Hallelujah. We have been saved by the blood of Jesus Christ. हम यीशु के लहू से बचाए गए लोग हैं. Jesus said, I go away to prepare a place for you. यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. He said, In my Father's house are many mansions. उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं. If it were not so, I would not have told you. अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता. Think about this. इसके बारे में सोचिए. God came to save us. खुदा इसलिए आया ताकि हमें बचाए. Jesus went to the cross of Calvary. यीशु मसीह ने कलवरी तक अपनी सलीब को उठाया. He rose from the grave. वो मुर्दों में से जी उठा. On the day of Pentecost, He sent back His Spirit. और पेंतिकोस के दिन उसने अपने पाक रूह को उतारा. He gave man the command to be saved. और उसने इंसान को बचने का रास्ता बख्शा. When Nicodemus asked, What must I do? जब निकोदीमस ने ये पूछा कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? He said, You must be born again. उसने उसे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना है. Let me ask you the question tonight. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आज की रात. Have you been born again? क्या आप भी नए सिरे से पैदा हुए हैं? God came to save you.
खुदा तो आया ताकि आपको बचाए, टू गिव यू वे टू फाइंड हिम, ताकि आपको एक नजात का रास्ता दे। दैट्स व्हाई क्राइस्ट वेंट टू द क्रॉस ऑफ कैल्वरी, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी तक सलीब को उठाया। ही सेड यू मस्ट बी बोर्न अगेन, और उसने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ही गेव द अपोस्टल पीटर द कीज हाउ टू बी सेव्ड, उसने पत्रस को आलमे रबा की कुंजियां दी। दे आस्क्ड द अपोस्टल पीटर ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, व्हाट मस्ट वी डू, उन्होंने पत्रस रसूल से पेंटिकॉस्ट के दिन ये पूछा कि हम क्या करें कि नजात पाएं। पीटर हैड द कीज, और पत्रस के पास कुंजियां थी। ही सेड रिपेंट, उसने कहा कि तौबा करो। द बाइबल टेल्स ऑल मेन मस्ट रिपेंट, और कलाम हमें ये सिखाता है कि हर एक शख्स को तौबा की जरूरत है। आई लुक एट यू टुनाइट, आज मैं इस जब देखता हूं, Pakistanis are handsome people. और पाकिस्तान के लोग बहुत खूबरू और खूबसूरत हैं। I've been to Pakistan 4 times. मैं पाकिस्तान 4 दफा आया हूँ। I have fallen in love with the nation of Pakistan. और मुझे पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हो गई है। Can I tell you a secret? मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। Before I left the States last year. पिछली दफा जब मैं अमेरिका वापस गया। I told my son if I die in Pakistan. मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में मर भी जाता। I want to be buried in Pakistan. तो मैं वहीं पे दफन होना पसंद करता। I have never said that in any other country. और मैंने ये बात किसी और मुल्क में जाकर नहीं कही। In 50 countries I've been to. 50 कौमों में गया हूँ। And I never said bury me there. लेकिन मैंने वहाँ पे कभी ये बात नहीं कही। But there's a compassion for you. लेकिन आपके लिए मेरी खास मोहब्बत है। I love you. मैं आपसे प्यार करता हूँ। I respect the Pastor Joseph. और खुदा के खादम पादरी एमरिक जोसेफ साहब की बड़ी कदर और इज्जत करता हूँ। And all the people of God. और तमाम खुदा के लोगों की भी। Because I feel the Holy Spirit here tonight. क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि आज रात खुदा का पाक रूह यहाँ पे है। The Bible says there's one Lord, one faith, and one baptism. और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि एक ही खुदावंद है, एक ही बपतिस्मा है। In the tabernacle in the wilderness, there was one gate. और आप देख सकते हैं कि खैमा इज्तिमा में एक ही बड़ा दरवाजा था। Jesus said, "I am the door." और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं दरवाजा हूँ। If any product comes any other way, he's a thief and a robber. और अगर कोई उस दरवाजे के सिवा किसी और रास्ते से आता है, तो वो चोर और डाकू है। So tonight, this church is Jesus' door. तो आज की शाम आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चर्च जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह का दरवाजा है। You have come from different places. आप बहुत ही मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। But I walked in here and felt the presence of God. लेकिन जब मैं यहाँ आया, तो मैंने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया। I felt the anointing when you were singing. और मैंने उस मसा को जब आप गा रहे थे महसूस किया। I felt the anointing when you were praying. और जब आप दुआ कर रहे थे, तो मैंने उस मसा को महसूस किया। I know that Jesus Christ is here. और मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। These are the last days. ये आखिर ज़माना है। These are the end of time. ये आखिरी दिन है। And the Bible says, in that day and time, और कलाम सिखाता है कि उन दिनों में, in the last days, they that know their God, आखरी दिनों में लोग खुदा को जानेंगे, shall be strong, और खुदा में मजबूत होंगे, and do exploits, और वो बड़े-बड़े काम करेंगे, think about this, in the last days, इसके बारे में सोचें कि लिखा है आखरी दिनों में, they that know their God, वो अपने खुदा को जानेंगे। You know Jesus. आप यीशु को जानते हैं। You'll be strong. आप मजबूत हैं। Because he said, after you believe, उसने कहा कि जब तुम ईमान लाओगे, ye shall receive power. तो तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा। There is power in this place tonight. और आज की शाम इस जगह पर भी कुव्वत मौजूद है। There is power to heal the sick. यहाँ पे कुव्वत मौजूद है जो बीमारों को शिफा दे सकती है। There is power to save the lost. और यहाँ पे कुव्वत मौजूद है जो खोए हुओं को नजात दे सकती है। Jesus Christ is walking among us. और यीशु मसीह हमारे दरमियान चल फिर रहे हैं। In John chapter 9 it talks about a man who was blind. यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब में उस शख्स का जिक्र है जो अंधा था। He had never seen in his entire life. उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा था। But the Bible says Jesus passed by. लेकिन कलाम बयान करता है कि यीशु वहां से गुजरा। And Jesus touched him. और यीशु ने उसे छुआ। And gave him a commandment to go wash in the pool of Siloam. और उसे हुक्म दिया कि जाकर अपने आप को शैलोक के हौज में धो ले। And when he washed, he was healed. और जब उसने वहां जाके अपने आप को धोया, तो वो शिफा पा। He obeyed God and was healed. उसने खुदा की फरमाबरदारी की और उसने शिफा पाई।
Tonight, if you will obey God, you'll be saved. आज की शाम भी अगर आप खुदा की फरमा बरदारी करेंगे तो शिफा पाएंगे. God said, I am the Lord that healeth and saves. और खुदावंद फरमाता है कि मैं खुदावंद हूँ जो शिफा देता है और जो निजात देता है. So in this place, we know who He is. So हम जानते हैं कि जगह पर वो कौन है जो मौजूद है. The strength of God is here. खुदा की कुदरत यहाँ पर है. Jesus said, if any man would come unto him, he would not cast him out. और यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा. This is the day of salvation. आज ही निजात का दिन है. The Bible talks about another woman in the Bible. और बाइबल मुकद्दस एक औरत की कहानी बयान करती है. She was sick with an issue of blood. वो उस निस्वानी बीमारी का शिकार थी. For 12 years she was sick. और 12 बरस से बीमार थी. She gave all her money to doctors and did not get better. और उसने अपना सब पैसा डॉक्टरों पर उजाड़ दिया था लेकिन शिफा नहीं पाई थी. But one day Jesus passed by. लेकिन एक दिन यीशु वहां से गुजरा. And she went to Jesus. और वो यीशु के पास गई. And the Bible says she touched the hem of his garment. और कलाम बयान करता है कि उसने उसकी पोशाक का किनारा छू लिया. And when she touched him, और जब उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ, virtue came from Christ to her. तो कुवत यीशु के अंदर से निकली और उसको छू गई. And the Bible says she was healed. और कलाम बयान करता है कि उसने शिफा पाई. And Jesus said, somebody touched me. और यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है. And she said, it was I. और उस औरत ने खड़े होकर इकरार किया कि वो तो मैं थी. He said, your faith has made you whole. यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया. If you will come to Christ tonight, अगर आज शाम आप यीशु के पास आएंगे, and touch him in faith, और उसे ईमान के साथ छुएंगे, you may be a sinner. आप गुनाहगार हो. You may have broken the laws of God. और आपके पास खुदा का कलाम है. You may be an unbeliever. आप गैर ईमानदार हो. You may be of another religion. आप हो सकता है किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो. But in your heart there's something missing. लेकिन आपके दिल में खाली जगह है. You can't sleep at night. आप रात को सो नहीं पाते. You have fear in your heart. आपके दिल में डर खौफ रहता है. You worry about if you die, what will happen to you. आप ये सोचते हैं कि अगर मर गया तो कहां जाऊंगा. The Bible says, prepare to meet thy God. और कलाम बयान करता है कि अपने खुदा से मिलने की तैयारी कर ले. Have you prepared to meet him? क्या आपने खुदा से मिलने की तैयारी कर ली है? He is calling tonight. वो आज की शाम आपको बुलाता है. If you would come to him and obey him. अगर आप उसके पास आएंगे और उसकी फरमाबरदारी करेंगे. It starts with repentance. तौबा करेंगे. You don't join the church, you're born in the church. आप कलीसिया में नहीं आते बल्कि आप कलीसिया में पैदा होते हैं. Of the water and the spirit. और पानी और रूह से पैदा होते हैं. But it begins with repentance. और ये तौबा के वसीले से होता है. Telling God you're sorry. आप खुदा को कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूं. One more story in the New Testament about a blind man. नए नामे में एक अंधे आदमी की एक और कहानी है. His name was Bartimaeus. He had never seen in his entire life. और उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था. He lived in a place called Jericho. और वो यरीहू में रहता था. I've been to Jericho 8 times. और मैं भी यरीहू में 8 दफा जा चुका हूं. It's down by the Dead Sea. और वो बहराए मुर्दार के पास है. There is one road to Jericho. और यरीहू जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है. And Bartimaeus knew when Jesus would come to Jericho, he would come by that one road. और बार्तिमियस इस बात को जानता था कि जब खुदावन यीशु मसीह गुजरेगा तो वो इसी रास्ते से गुजरेगा. So Bartimaeus went where Jesus was. तो उस शख्स ने उस जगह पे वो खड़ा हो गया जहां यीशु आने वाला था. That's why you've come here tonight. और इसलिए आप यहां पे आए हैं. You know that Jesus is here. आप जानते हैं कि यीशु यहां पे है. There's many places you could be. और बहुत सी और जगह थी जहां आप जा सकते थे. But you come to the First Presbyterian Church. लेकिन आप फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में क्यों आए? Because Jesus is passing by. क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु यहां से गुजरेगा. The Bible says he abides in the midst of praise. और वो लिखा है कि वो हम्द सना पर तख्त नशीन होता है. Think about this. इसके बारे में सोचे. The great God who created the world. कि वो अजीम खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया है. The great God in the beginning spoke his word. और वो खुदा जो इब्तिदा से कलाम करता है. And everything happened when he spoke his word. और उसके बोलने से तमाम चीजें जो है वो पैदा हो जाती है. That great God has come as Jesus. वही अजीम खुदा यीशु मसीह की सूरत में जाहिर हुआ. And he sent back his spirit. और फिर अपने रूहुल कुदस को भी भेजा. He is here tonight. और वो आज शाम यहां पे मौजूद है. The Bible says,
और कलाम सिखाता है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, If any two or three will gather in my name, I am there. कि जहां भी दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं मौजूद हूं। Do you believe the Bible? क्या आप कलाम पे ईमान रखते हैं? Do you believe the Bible? क्या आप कलाम पे ईमान रखते हैं? The Word of God. ये खुदा का कलाम है। Do you believe the Word of God? क्या आप खुदा के कलाम पे ईमान रखते हैं? Then you must believe that Jesus Christ is here tonight. तो फिर आपको इस बात पे भी ईमान रखना पड़ेगा कि यीशु आज रात यहाँ मौजूद है। He's passing by. और वो यहाँ से गुजर रहा है। And when Jesus passed by Bartimaeus. और जब वो बार्टिमेयस के पास से गुजरा। Bartimaeus could not see, but he could hear. वो देख नहीं सकता था, लेकिन वो सुन सकता था। Faith cometh by hearing, and the hearing is the word of God. और सुनना जरूरी है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। You may be sick, you may be a sinner. आप बीमार हो सकते हैं, आप गुनाहगार हो सकते हैं। But you can hear me tonight to preach. लेकिन आज की शाम जब मैं बोल रहा हूं, तो आप मुझे सुन सकते हैं। And Bartimaeus heard Jesus coming by. और जब उसने ये सुना कि यीशु यहां से गुजर रहा है, he stepped out in the road and began to cry. वो रोड के ऊपर आ गया और चिल्लाने लगा। Jesus have mercy upon me. यीशु मुझ पर रहम कर। Jesus have mercy upon me. यीशु मुझ पर रहम कर। He was not shy and bashful. वो शर्मा नहीं रहा था। The Bible says, "Whoever calls on the name of the Lord shall be saved." कलाम हमें ये सिखाता है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा, वो निजात पाएगा। Will you call upon the Lord tonight? जब आप खुदावंत का नाम लेते हैं, ask him to save you. उसे कहे कि यीशु मुझे बचा। Ask him to heal you. और उसे कहे कि मुझे शिफा दे। Make your petitions known to him. अपनी दरखास्तें उसके सामने लेकर आए। And Jesus heard him. और यीशु ने उसकी दुआ को सुना। He said, "Bring him to me." उसने कहा कि इसे मेरे पास लेकर आओ। And the first thing Bartimaeus did was take off his coat and throw it down. और पहला काम जो संधे ने किया कि उसने अपना कोट उतार के पीछे फेंक दिया। Someone would say, "Why did Bartimaeus throw his coat away?" और हम ये सवाल कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? Because in that time, blind people wore a striped coat. और पहला काम जो संधे ने किया कि उसने अपना कोट उतार के पीछे फेंक दिया। Someone would say, "Why did Bartimaeus throw his coat away?" और हम ये सवाल कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? Because in that time, blind people wore a striped coat. और उस दौर में खास बात ये थी कि अंधे लोग वो पट्टियों वाला, लाइनों वाला एक खास कोट पहना करते थे। That coat meant they were blind. और वो इस बात की निशानी थी कि वो अंधे हैं। Feel sorry for him, give him alms. और उसे देखते थे, उस पर तरस खाते थे, और फिर उसको ज़कात खैरात दिया करते थे। Every day he put that coat on, he hated it. और रोज वो कोट पहनता होगा। He said, "I don't want to be blind." और कहता होगा कि मैं ये कोट पहनता तो हूँ, लेकिन मैं अंधा रहना नहीं चाहता। I don't want people to pity me. और मैं नहीं चाहता कि लोग बस मुझ पे तरस खाएं। I want to be healed. मैं शिफा पाना चाहता हूँ। And when Jesus said, "Bring it to me," और जब यीशु ने कहा कि इसे मेरे पास लेकर आओ, a blind man knew he would not need the coat again. और वो जान गया कि आइंदा उसे इस कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। If you come to Christ tonight, और अगर आज आप यीशु के पास आते हैं, you can lay your sins down. आप अपने गुनाहों को उस कोट के साथ पीछे उतार सकते हैं। And never pick him up again. और फिर दोबारा उनको ना उठाएं। Lay your alcohol down. अपनी जो शराब की आदत है उसको छोड़ दें। Lay your drugs down. अपनी जो नशाबाजी है उसे छोड़ दें। Lay your pornography down. और उन बुरी चीजों को देखने की आदत को छोड़ दें। Lay your gambling down. और जुए की आदत को छोड़ दें। Whatever sin it is in your life. और जो कोई भी गुनाह आपकी जिंदगियों में है उसे उतार दें। Come to Christ tonight. यीशु के पास आ जाए। Lay the sin down. गुनाह को पीछे उतार दें। Call upon Jesus. यीशु का नाम लें। And Jesus said to him, "What would you have me do?" और यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? Think of this. इसके बारे में सोचें। Jesus is the Word of God made flesh. यीशु मसीह खुदा का वो कलाम है जो इंसान बन के आया। The God who knows all things. जिसने तमाम चीजें बनाई। Looked at a man that was blind. वो सब चीजें जानता है, उसे पता है कि बंदा इसकी प्रॉब्लम ये है कि अंधा है। And ask him what's wrong with you. लेकिन फिर भी उससे कहता है कि तुझे क्या मसला? Jesus knew what was wrong with him. यीशु मसीह ने उस यीशु मसीह को पता था कि इसके साथ क्या मसला है। He knows what's wrong with you.
और वो ये भी जानता है कि आपके साथ क्या मसला है। He knows your sickness. वो आपकी बीमारी को जानता है। He knows your sin. वो आपके गुनाहों को भी जानता है। But he wants you to confess it. लेकिन वो आपसे ये चाहता है कि आप खुद उसको बताएं। And turn away from it. और उस उन चीजों को जो बुरी है छोड़ दे। And the blind man said to him, और अंधे आदमी ने उससे ये कहा, that I might receive my sight. ये कि मैं बीना हो जाऊं। And the Lord healed him. और यीशु ने उसे शिफा दे दी। So tonight there's two or three here. और आज की रात यहाँ पे दो या तीन होंगे। Look around, there's more than two or three here. देखें अपने इर्द गिर्द दो या तीन होंगे। We've come in the name of Jesus. जो यीशु के नाम में आए हैं। You have sung about Jesus. जो यीशु के बारे में सुनते हैं। I have preached about Jesus. मैंने यीशु मसीह के बारे में मुनादी की है। We love Jesus. हम सब यीशु से प्यार करते हैं। Therefore, He is in our midst. इसलिए वो हमारे दरमियान मौजूद है। His spirit is broken up and down these aisles. उसका पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है। I feel Him in my heart. उसे मैं अपने दिल में महसूस कर सकता हूँ। He's calling people today to Him. और आज की शाम वो लोगों को अपने लिए बुला रहा है। But who will receive Him? लेकिन कौन है जो उसे पाएगा? I'm going to respect your custom. मैं आपके जो रस्म और रिवाज है उनकी बड़ी कदर करता हूँ। In just a moment, I'm going to turn this back to your pastor. और कुछ ही देर में मैं माइक जो है वो पादरी साहब के हाथ में वापस दूंगा। He will take the service as he feels led. और वो उसी तरह इबादत को चलाएंगे जिस तरह खुदा का रूह उनकी रहनुमाई करेगा। But before I do this, लेकिन उससे पहले I want to ask you to do this for me. मैं ये आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये करें। Shall we all stand to our feet? आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? This is the word of God. ये खुदा का कलाम है। This is the word of Jesus. ये यीशु का कलाम है। Listen to me closely. मेरी बात को गौर से सुने। He said, "If two or three agree." उसने कहा कि अगर दो या तीन एक बात पर इत्तफाक करेंगे, it shall be done. तो उनके लिए हो जाएगा. The Bible says, "Pray one for another." और कलाम सिखाता है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो. On the day of Pentecost, they were in one mind and one accord. और पेंटिकोस के दिन वो यक दिल और यकरू हो गए. In just a moment, I'm going to ask you to do me a favor. और अभी चंद लम्हों में मैं आपके लिए आपसे एक दरखास्त करूंगा। I want every man to take a man's hand beside him. और मैं कहूंगा कि तमाम मर्द हजरात जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। I want every lady to take a lady's hand beside her. और बहनों से भी कहूंगा कि वो भी एक दूसरे के हाथ पकड़ लें। I want you to raise that hand to heaven. और मैं चाहता हूं कि आप ये हाथ आसमान की तरफ खुदावन की फिरदौस की तरफ बढ़ाएं। I'm looking at the clock right now. और मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं। It is 7:13. अभी 7:13 हुआ चाहते हैं। For 3 minutes. और 3 minutes के लिए। I want us to pray together. मैं चाहता हूं कि हम मिलकर दुआ करें। Brethren, hold that man's hand up. उन हाथों को ऊपर उठाएं। And pray together. और दुआ करना शुरू करें मिलकर। If he's not saved, pray that God saves him. दुआ करें क्या खुदावन जिसका हाथ मैंने पकड़ा है अगर ये अभी तक बचाया नहीं गया तो इसको नजात दे। If he's not healed, pray that God heals him. अगर इसको शिफा नहीं मिली तो इसको शिफा दे। Ladies, hold the hand up beside you. और बहनें जो हैं इन हाथों को उठाएं। Pray for that lady to be saved. और दुआ करें कि वो औरत बच जाए। Pray for her to be healed. और दुआ करें कि वो नजात पाए शिफा पाए। Pray the blessing of God. दुआ करें कि उसको कसरत की बरकत मिले। Pray the blessing of God. दुआ करें कि उसको बरकत मिले। Pray the anointing of God. दुआ करें कि खुदा उनका मसा मिले। Pray for God's will. दुआ करें कि खुदा उन अपनी मर्जी को नाजिल करे। Pray for revival. दुआ करें कि इनकलाब आए। Pray for Pakistan. दुआ करें पाकिस्तान के लिए। Pray for Faisalabad. दुआ करें फैसलाबाद के लिए। Call to God. दुआ करें खुदा Jesus. यीशु। Save my loved ones. हमारे प्यारों को बचा। Jesus. प्यारे यीशु। Save my children. मेरे बच्चों को बचा। Jesus. प्यारे यीशु। Bless my home. हमारे घर को बरकत दे। Hallelujah. Hallelujah! 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 Glory to God! खुदा उनके नाम को जलाल हो। Lift up your voice! और अपनी आवाजों को बुलंद करें। Cry now, ladies! अपनी आवाजों को बुलंद करें बहनें। Lift up your voice, men! अपने आवाजों को बुलंद करें। Cry to God! खुदावन का नाम ले। The mighty Son of the rushing wind! जो कुदरत वाला खुदा है। Hallelujah! 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 Two more minutes.
और दो मिनट और हम दुआ करते रहे इसी तरह थैंक यू जीसस और यीशु तेरा शुक्र हो थैंक यू जीसस यीशु तेरा शुक्र हो अनॉइंट माय ब्रदर मेरे भाई को ब्लेस माय ब्रदर मसा कर दे ब्लेस माय सिस्टर बरकत दे मेरे भाई को बरकत दे मेरी बहन को Oh, thank you, Father. Ach, Bab, tera shukar. Hallelujah. Hallelujah. One more minute. एक मिनट और करेंगे एक मिनट और हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड खुदा तेरा शुक्र हो हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. सब गाएं यीशु शाफी है 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 हालेलुया 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 यीशु फाते है शैतानी कुल के दबान है फाते है यीशु के नाम से फतह पाते हैं यीशु के नाम से फतह पाते हैं इब्लीस हमारे पांव के नीचे है हालेलुया 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 छूले यीशु छूले यीशु छूले यीशु छूले यीशु Shukran.